बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास सिक्स अमेजिंग साइंस ऑक्सफोर्ड की बुक है ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर सेवन का क्या नाम है, एनर्जी शेयर करूँगी, उसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो चलिए यूनिट नंबर सेवन की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर सेवन की एक्सरसाइज मैं ओपन कर लेती हूँ। ये रही जी हमारी यूनिट नंबर सेवन की एक्सरसाइज। इसमें पहले है सवाल जवाब। पहला सवाल है व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने। तो इसका आंसर देखिए, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। बी पार्ट देखिए, वेयर डज ऑल द एनर्जी ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम, तमाम एनर्जी जमीन वाली, जो जमीन पर एनर्जी है वो कहाँ से आती है। तो आंसर, ऑल द एनर्जी ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम द सन, द सन्स एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सी पार्ट, व्हाट आर फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स क्या हैं। इसका आंसर देखिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द सन गेव इट्स एनर्जी टू प्लांट्स एंड एनिमल, व्हेन दे डाइड देयर बॉडीज स्लोली टर्न्ड इनटू ऑयल एंड कोल, ऑयल एंड कोल्स आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसका आंसर, ये रहा दो पॉइंट्स हैं, पहले पॉइंट में डेफिनेशन है, दूसरे में एग्जांपल है। पहला पॉइंट क्या है, मूविंग एटम्स हैविंग एनर्जी आर कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजिशन। पॉइंट नंबर टू, व्हेन द पीस ऑफ आयरन बिकम वेरी हॉट द एटम्स हैव सो मच काइनेटिक एनर्जी, अ बॉल पुट ऑन द हाई शेल्फ हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी देन इफ इट इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी की आपने डेफिनेशन लिखनी है। Fireworks are made of gunpowder and other explosive chemicals. These chemicals contain a lot of energy. Fireworks use chemical energy. Question number F. How does sound energy moves? Sound is a type of energy. When an object vibrates, it makes the air around it vibrate. The vibration through the air as sound waves. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन क्या है। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन बी स्प्लिट इनटू टू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सोलर एनर्जी प्रोड्यूस, सोलर एनर्जी किस तरह से पैदा की जाती है। तो इसका आंसर देखिए, मोर एनर्जी रीचेज द अर्थ फ्रॉम द सन देन वुड बी कन्वर्टेड बाई मिलियंस ऑफ पावर स्टेशन, वी कैन यूज द सन एनर्जी टू हीट द वाटर इन आवर होम्स बाई यूजिंग अ सोलर पैनल, दिस इज अ ग्लास टॉप्ड बॉक्स फिल्ड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग फेसिंग द मून। अगला क्वेश्चन है, कैन एनर्जी बी मेड, अब इसका आंसर आपने देना है, वैसे तो इसका आंसर है नो, लेकिन फिर भी आपने सोचना है कि अगर ये येस हुआ, इसका आंसर नो भी हो सकता है, यानी इसका आंसर येस भी हो सकता है, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर आपने मेरे साथ शेयर करना है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, पहली ब्लैंक है ऑल द लिविंग थिंग्स नीड डैश टू वर्क एंड मूव एनर्जी, प्लांट्स यूज डैश एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड सोलर, फॉसल फ्यूल्स रिलीज डैश एनर्जी व्हेन दे आर बर्नड हीट, डैश प्रोवाइड energy for machines and engines to work oil, moving atoms have dash energy kinetic, fireworks have dash energy chemical, food releases energy after it has been digested in the body, the splitting of atom is called dash fusion, the squeezing together of atom is called fusion, when plants and animal decay they give off a gas called fossil fuel। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने एनर्जी की किस्में बतानी है, मैंने तकरीबन सारे ही लिख दिए हैं, जो नहीं लिखी हैं वो आपने बतानी है। वैसे जैसे अब मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, आप खुद भी एक दफ़ा गेस कीजिएगा। अ क्लॉक वर्क टॉय है जैसे, अब ये कौन सी एनर्जी है ये आपने बताना है। फिर सेकेंड है एन इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन तो जाहिर है केमिकल एनर्जी है वो। नेक्स्ट है फूड, तो वो फूड एनर्जी, द फ्यूजन एंड फ्यूजन ऑफ आइटम्स न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड वेव साउंड एनर्जी, फॉसल फ्यूल सोलर एनर्जी, अ बॉल ऑन द शेल्फ पोटेंशियल एनर्जी,
अ मूविंग कार काइनेटिक एनर्जी, अ लाइट बल्ब केमिकल एनर्जी। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर किया। यूनिट नंबर 7 का नाम है एनर्जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।